दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में रनवे मार्किंग बार और लाइंस के बारे में बताया था, तो आज इस वीडियो में रनवे लेटर और नंबर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने रनवे के एंड पर नंबर्स और लेटर्स को देखा होगा, तो देखते हैं ये क्या इंडिकेट करता है। यूजुअली रनवे पे 1 to 36 बीच के नंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में 1 to 360 डिग्री होते हैं। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक कंपास के डिग्री के अकॉर्डिंग रनवे के ऊपर मार्क किया जाता है, और रनवे के ऊपर नंबर को मार्क किया जाता है तो इसी नंबर के बीच मार्क किया जाता है। हर एक रनवे की नंबर के बीच 80 नंबर का डिफरेंस होता है। अगर एक रनवे पे 10 मार्क किया हो तो दूसरे रनवे पे 28 मार्क किया जाता है। इसका मतलब 100 डिग्री और 280 डिग्री होता है। जब रनवे पे मार्क किया जाता है तो थर्ड नंबर को एक्सक्लूड किया जाता है। अगर एक ही रनवे पे दो नंबर को मार्क किया हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उनके बीच 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रनवे की एंड पर 12 और दूसरे एंड पर 30 को मार्क किया तो वो 120 और 300 डिग्री को इंडिकेट करता है। कुछ लार्ज एयरपोर्ट पे रनवे पैरेलल वे में अरेंज होते हैं, उस टाइम रनवे के ऊपर सेम नंबर को मार्क करना पड़ता है, लेकिन उसे लेटर्स के साथ डिवाइड किया जाता है, जैसे कि LCR से इंडिकेट किया जाता है। LCR का मतलब होता है लेफ्ट सेंटर एंड राइट। इससे पायलट को रनवे को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। कभी कभी रनवे मार्किंग्स को चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरी और चेंज भी हो सकता है। इससे कंपास का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, इसीलिए एवरी 5 years को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं, और इसीलिए रनवे नंबर्स को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था रनवे लेटर्स और नंबर्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।